गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आज हम आप सबको सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे, कक्षा 8, विषय सामाजिक विज्ञान, किताब का नाम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, भाग 3, अध्याय 1, भारतीय संविधान, भाग 2, मेरा नाम दीपमाला शर्मा, मेरे साथ बाबूलाल मीणा। बच्चों, आज के भाग में हम प्रश्न उत्तर करवाएंगे। प्रश्न उत्तर, प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान का गठन कब किया गया था? ए 1944, बे 1945, से 1947, दे 1946। बताओ बच्चों, क्या उत्तर आएगा? दे पर निशान लगाया हमने। प्रश्न नंबर 2, भारत में कितनी स्तरीय शासन व्यवस्था है? ए 1 स्तरीय, बे 2 स्तरीय, से 3 स्तरीय, दे बहुस्तरीय। बताओ बच्चों, क्या उत्तर आएगा? से पर निशान लगाया हमने। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देखो बच्चों, ये कॉलम बना है, इसमें नाम लिखा है, इसको खाली जगह में भरना है। 1, डैश में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। क्या आएगा बच्चों? विधायिका लिखा हमने। 2, कानून की नजर में सभी लोग डैश हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? समान। 3, हमारे देश में राज्य व केंद्र स्तर पर अलग अलग डैश हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? सरकारें लिखा हमने। 4, सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए डैश जरूरी है। क्या लिखेंगे बच्चों? संविधान लिखा हमने। प्रश्न नंबर 4, सही या गलत बताइए। 1, न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। बताओ बच्चों, सही या गलत? सही पर निशान लगाया। 2, 1850 में भारतीय संविधान सभा
का गठन किया गया था। बताओ बच्चों, सही या गलत? गलत पर निशान लगाया हमने। तीन, लोकतंत्र में हम अपना नेता खुद चुनते हैं। बताओ बच्चों, सही या गलत? सही पर निशान लगाया। चार, धर्मनिरपेक्षता को संविधान की अंतरात्मा भी कहते हैं। बताओ बच्चों, सही या गलत? गलत पर निशान लगाया हमने। प्रश्न नंबर पांच, संविधान का कोई एक उद्देश्य बताइए। उत्तर, देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय कराना। प्रश्न नंबर छः, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? उत्तर, संविधान के अनुसार राज्य के तीन अंग हैं, एक विधायिका, दो कार्यपालिका, तीन न्यायपालिका। प्रश्न नंबर सात, संविधान की अंतरात्मा का अधिकार कौन सा अधिकार कहलाता है? उत्तर, मौलिक अधिकार। समझे बच्चों? इसी तरह से आप सब बच्चे वीडियो देखना, कॉपी में लिखना और याद करना। बाय बच्चों, थैंक यू।